आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सोर्सेज इन अ नेटवर्क ठीक है अब सोर्सेज इन अ नेटवर्क का मतलब क्या है सोर्सेज इना नेटवर्क का मतलब क्या है कि सोर्स वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर करे तो यानी मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल सोर्स की ऐसे ही कोई भी सोर्स नहीं जैसे मान लो अब आपको हीट एनर्जी मिल रही है ऐसे सोर्स की मैं बात नहीं करूंगा मैं बात किसकी करूंगा उस सोर्स की जो कैसी एनर्जी दे आपको इलेक्ट्रिकल जो कोई सोर्स आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा दैट सोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट क्लियर तो इसमें एक पॉइंट लिखना द पर्पस द परपज ऑफ सोर्स एन अटवर्क द परपज ऑफ सोर्स इन अ नेटवर्क इज टू सप्लाई द पर्पज ऑफ सोर्स इन अ नेटवर्क इज टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द पैसेव एलिमेंट्स इज टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी To the passive elements such as such as resistance inductance and capacitance such as resistance inductance and capacitance next point the sources are active element the sources are active element that is that is we assume दैट इज वी एज्यूम दे कैन डिलीवर एनर्जी दैट इज वी एज्यूम दे कैन डिलीवर एनर्जी फॉर एनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम दे कैन डिलीवर एनर्जी फॉर एनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम अब देखो यार सोर्सेज को ना दो कैटेगरी में बांटते हैं सोर्सेस को दो कैटेगरी में बांट देते हैं अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड डिपेंडेंट सोर्सेस ठीक है दोनों के बारे में हम बात करेंगे ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है छोटा सा ही टॉपिक है ठीक है तो इसके लिए ना पहली सब हेडिंग बना लेना मेरे भाई फर्स्ट सब हेडिंग बना लेना इंडिपेंडेंट सोर्सेस इंडिपेंडेंट सोर्सेस ठीक है अब बात है इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होते हैं बेटा इंडिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जो किसी पे भी जो किसी पे भी डिपेंड ना करे सिवाय एक पैरामीटर दैट इज़ टाइम यानि कि वो ना तो इस बात पे डिपेंड करता कि नेटवर्क में कहीं और क्या वोल्टेज चल रही है ना वो इस बात पे डिपेंड करता नेटवर्क में कहीं और क्या करंट चल रहा है मुझे लगता है मेरी बात को आप समझ रहे हो जो सोर्सेज किसी और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड ना करे दे आर सेट टू बी दे आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट सोर्सेज दे आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट सोर्सेज बात को समझिए तो ये वाला पॉइंट लिखना इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर दोज इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर दोज विच डू नॉट डिपेंड ऑन विच डू नाट डिपेंड ऑन एनी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बट बट मे डिपेंड ऑन टाइम बट मे डिपेंड ऑन टाइम ठीक है तो किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करते बस समय पे डिपेंडेंट हो सकते हैं अब देखो इसके अंदर भी मेरे भाई पहले सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट सोर्स इज माई इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अभी देखते जाओ कैसे कैसे क्लासिफिकेशन बनते जाते हैं अब भाई ये वोल्टेज सोर्स क्या चीज है ये वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है बेटा जस्ट लाइक अ बैटरी जहां हम ये कहते हैं कि ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स इट्स वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट इन ऑफ द करेंट थ्रू द सोर्स ठीक है हम ये कहते हैं वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड does not depend does not depend on on current flowing through the source on current flowing through the source. Okay? तो बेटा जिसका वोल्टेज फिक्स रहे जिसका वोल्टेज फिक्स रहे वो करंट पे डिपेंड ना करे उसे हम क्या कहते हैं वोल्टेज सोर्स अनुराग बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है अभी कौन क्या कह रहा है ग्यारहवीं बारहवीं वालों को क्या समझा रहा है क्या नहीं बीटेक में तो आना हमारे पास ही है तो जाने दो ठीक है चलो आ जाओ अब देखो वोल्टेज सोर्स को कैसे दिखाते हैं यार ऐसे दिखाते हैं प्लस माइनस ये पोलैरिटी हो गई सपोज ये हो गया फाइव वोल्ट ठीक अब मैंने बताया ये जो वोल्टेज है ना ये टाइम का फंक्शन भी हो सकती है उसमें कोई समस्या नहीं है जैसे टू ए टू दावर माइनस टू टी वोल्ट ये टाइम पे डिपेंडेंट हो गई भाई ये टाइम पे डिपेंडेंट हो गई फिर भी ये क्या कहलाएगी वोल्टेज सोर्स इसको डिपेंडेंट मत समझना इसको डिपेंडेंट मत समझना ये अभी भी क्या है इंडिपेंडेंट क्योंकि ये वोल्टेज किसी और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रही सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है टाइम पे है ना मैंने बोला है ना वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन करेंट फ्लोइंग थ्रू द सोर्स दैट इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स सही है बेटा यहाँ पे आपको ध्यान किस बात पे देना है कि इंडिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जो टाइम पे तो डिपेंड कर सकते हैं लेकिन किसी और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर पे ना करें अब ऐसे देखो ऑल्टरनेटिंग सोर्स भी हो सकता है भाई ऑल्टरनेटिंग सोर्स में ना ये वेव वाला सिंबल बना देते हैं जैसे मान लो फोर साइन हंड्रेड टी अब ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज हो सकती है जैसे साइन के ग्राफ की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ साइकिल में साइन पॉजिटिव होता है सेकंड हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है तो जिस सप्लाई की पोलैरिटी बार बार पलटती रहे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस उसे क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिंग सोर्स दैट इज कॉल्ड एज द ऑल्टरनेटिंग सोर्स ठीक है ये क्लियर हुआ तीनों तरह के सोर्स समझ में आए अब बेटा यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर भी हम बात कर सकते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की किसकी बात कर सकते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन से होते हैं जिनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता इसका मतलब यहां पे आप ये लिख सकते हो दे डू नॉट हैव दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल रेजिस्टेंस दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है इनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता मेरे भाई तो उसे क्या कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स तो यहाँ पे देखो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊं ये जो अभी हमने पीछे सोर्सेस बनाए थे ना ये सारे आइडियल थे अब मैं ये कहता हूँ कि मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है और मैं आपसे ये पूछूं भाई ये टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आएगा ये कितना आएगा फाइव ठीक है कितना आएगा फाइव तो हम ये कहेंगे वी टी इज इक्वल टू फाइव वोल्ट इर रेस्पेक्टिव of ऑफ आई of ऑफ आई ठीक है तो यहां पे क्या होता है अगर आई वर्सेस V देखो तो ये होगा फाइव ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है देखो करंट कितना भी हो करंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ फर्क नहीं पड़ता द वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है वॉट एवर द करेंट मे बी वॉट एवर द करेंट मे बी वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट इसे कहते हैं आइडियल आइडियल सोर्स समझ गए जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे डजेंट डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क वॉट एवर द करेंट मे बी टर्मिनल वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट अब देखो यार अगर यहां तक लिख लिया सब लोगों ने यहां तक नोट डाउन कर लिया ना बढ़िया तरीके से आइडियल वोल्टेज सोर्स क्लियर है उससे करंट कितना भी ले लो जैसे मान लो अगर घर में एक आइडियल सोर्स लग जाए तो वो हमेशा आपको 230 थर्टी वोल्टी लेगा देगा चाहे आप कितनी भी अप्लायसेस चला लो आप ट्यूबलाइट जला लो ए चला लो पंखा चला लो वो वोल्टेज फिक्स देगा उसे आप क्या कहोगे एक आइडियल सोर्स आइडियल सोर्स वो है उसके ऊपर कितना भी लोड लगाओ वो खुशी खुशी सप्लाई करता रहता है उसे कहते हैं एक आइडियल सोर्स है ना कितना भी बर्डन डाल दो उसके कंधे पे वो कभी मना नहीं करता वो कहता ठीक है आन दो वैसा वाला हिसाब है अब बेटा यहां पे दूसरा तरीका होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ठीक है वॉट इज दिस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इसके अंदर देयर इज नॉन जीरो नॉन जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना जैसे मान लो ये ई एम एफ है ई अब आप कहोगे सर ये रेजिस्टेंस कैसे आया यार अगर बैटरी से भी वायर भी निकालोगे तो भी वायर में रेजिस्टेंस तो हो होगा ही होगा रेजिस्टेंस को आप गायब थोड़ी कर सकते हो कभी भी देर विल ऑलवेज बी सर्टेन रेजिस्टेंस अब देखो यहाँ पे वी क्या आएगा ठीक है यहाँ पे वी क्या आएगा ई माइनस आई आर ए माइनस आई आर मैंने सिर्फ के वी एल लगाया है थोड़ा बहुत यार आपको के वी एल का आइडिया होगा आगे चल के हम दोबारे के वी एल भी देखेंगे लेकिन आप ये समझो e माइनस आई आर अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई कि आई का ग्राफ कैसा बनेगा तो आप क्या बोलोगे सर e बाय आर माइनस वी बाय आर दैट इज आर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ठीक है तो यहां पे क्या होगा यार अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगो ना ठीक है तो कैसा ग्राफ आएगा मेरे भाई कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा माइनस वन बाय आर ठीक है यहां पे इसका स्लोप क्या होगा ई तो जो लाइन पहले वर्टिकली स्ट्रेट लाइन थी ना मेरे भाई जो लाइन वर्टिकली स्ट्रेट लाइन थी अब वो टिल्ट हो गई सर ये यहाँ कहाँ जाके टकराएगी बेटा ये टकराएगी ई बाय आर पे यहाँ पे क्या होगा इसका वाई इंटरसेप्ट जो आना चाहिए ना वाई इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू ई बाय आर विच इज वेरी हाई ये बहुत ज्यादा हाई है ठीक है इसीलिए हमने नहीं शो किया दैट इज वाई नॉट शोन ऑन ग्राफ ठीक है इसका y इंटरसेप्ट बहुत ज्यादा हाई है e बाय आर इसीलिए हमने इसको शो नहीं किया है ये बात क्लियर हो गई तो वोल्टेज सोर्स समझ आ गया भाई सब लोगों को बहुत सिंपल सी चीज है जो एक वोल्टेज देता है और करंट करंट कुछ भी हो सकता है अच्छा एक पॉइंट और लिखना वोल्टेज सोर्स कैन ओनली डिफाइन वोल्टेज सोर्स कैन ओनली डिफाइन द वोल्टेज द वोल्टेज इन अ नेटवर्क द वोल्टेज सोर्स कैन ओनली डिफाइन द वोल्टेज इन अ नेटवर्क बट द करेंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क बट द करेंट फ्लोइंग थ्रू द नेटवर्क इज ऑलवेज गवर्नड बाय द लोड इज ऑलवेज गवर्नड बाय द लोड देखो ये इलेक्ट्रिकल का बेसिक प्रिंसिपल है तो जो हमारे पावर प्लांट होते हैं जैसे एन टी पी सी लगाती है पावर प्लांट तो बेटा वो पावर प्लांट सिर्फ वोल्टेज फिक्स कर रहा है वो क्या बता रहा है भाई इतनी वोल्टेज में सप्लाई कर दूंगा अब उस पावर प्लांट से कितना करंट आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं क्या क्या अप्लायसेज अपने घर के अंदर रन कर रहा हूं हो सकता है मैं पंखा चला रहा हूं ए चला रहा हूं आयरन चला रहा हूं इन्वर्टर चला रहा हूं कुछ भी मैं चला रहा हूं तो इन चीजों पर डिपेंड करता है कितना करेंट आएगा यानी करंट इज गवर्न बाय द लोड बट द वोल्टेज इज गवर्न बाय द सोर्स वोल्टेज इज गवर्न बाय द सोर्स Now, it's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. On Academy Combat. Register now.